आगे बढ़ते हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर के केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधा और बजट की खूबियां गिनाते हुए हरियाणा से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने सदन में बेवजह गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया है। देखिए, केंद्र में मंत्री हरियाणा के फरीदाबाद से बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल जी, बजट आया है और बजट के ठीक अगले दिन जोरदार हंगामा सदन में देख रहे हैं हम। अमृतकाल का बजट सरकार बता रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये देश, ये बजट ना राजनीतिक है ना चुनावी बजट है, ये देश के उज्जवल भविष्य का और समृद्ध भारत का बजट है। ये आने वाले विकसित भारत को आधार देने वाला बजट है और इस बजट में मध्यम वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसान हो, वंचित हो, गरीब हो, हर किसी को मैं समझता हूँ इस बजट से राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है, उसके लिए 33% की बढ़ोतरी की है। रक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को सस्ता कर्ज देने के लिए उस 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा गया है। मध्यम वर्ग के सैलरी क्लास को और आयकर दाताओं को बहुत बड़ी राहत दी गई है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब आज तक के मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में इससे सुंदर और देश को मजबूती के साथ आधार देने वाला, अमृतकाल में देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अगले 25 सालों में बने, उसके लिए ये बजट आया है और ये विकसित भारत का आधार देने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये अमृतकाल का बजट नहीं बल्कि मित्रकाल का बजट है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी बनाए जाने की मांग करते हुए हंगामा हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा है, उनके नीचे से ज़मीन खिसक गई है। मोदी सरकार के प्रति देश और दुनिया के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए देश पहले, इसको लेके, इस संकल्प को लेके मोदी सरकार काम कर रही है। विपक्षी दलों के लिए परिवार पहले, वोट पहले, ये उसको लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए जो देश हित में काम कर रहे हैं, देश के लोग उनके साथ हैं। इनके इस तरह हंगामा करने से और आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश का आवाम मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से सदन में गतिरोध बना है उसको लेकर विपक्ष को घेर रहे थे, आरोप लगा रहे थे केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।